सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था, पर सच की जीत हुई, सत्यमेव जयते। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि ये निर्णय कांग्रेस के संघर्ष और ओबीसी वर्ग की जीत है, जिसने ओबीसी विरोधी शिवराज सरकार को झुकने पर मजबूर किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूं। हमने कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, कांग्रेस ने पाप किया था, पर हमने हर संभव प्रयास किया। हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, सर्वे के आधार पर हमने रिपोर्ट बनाई, निकायवार रिपोर्ट भी सौंपी। वहीं कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं अब हो थोड़ी सकता, वो प्रसन्नता मना रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिए, सरकार इसे लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी वर्ग से उनका जो हक छीना गया था, उसकी दोषी शिवराज सरकार थी। आइए सुनते हैं कमलनाथ ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरी निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जिसका पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इस वजह से हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे।
वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।